नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में लगातार जो गेहूं की आवक है वो बढ़ती चली जा रही है। जो किसान है वो अलग अलग जिलों से गेहूं लेकर के यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधे किसानों के पास चलते हैं, जानते हैं आज क्या कुछ दाम रहा और किस तरह की आवक अब लगातार जो है मंडी में हो रही है। क्या नाम है आपका? तोप सिंह। क्या लेके आए? गेहूँ। अच्छा, कितने ट्राली लाए? दो दो ट्राली। कितनी आवक? आवक लगातार बढ़ रही है गेहूँ की? बढ़ रही। अब धीरे धीरे और बढ़ेगी? बढ़ेगी। बता रहे मौसम की मार पड़ी इसलिए आवक पर थोड़ा असर पड़ेगा। नहीं पड़ा है? असर के साथ मतलब गेहूँ कम निकली जो ना। हाँ हाँ, गेहूँ तो कम बहुत निकली जो। तो गेहूँ कम निकला तो भाव बढ़ने की फिर उम्मीद है आने वाले समय में? अब या तो अपने कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और सरकारी खरीद अब जो है चालू होने वाली है, 125 रुपए बोनस देगी सरकार अतिरिक्त, खुश है इससे? खुश है। अच्छा, सरकार ने तो बोला था कि हम 2700 रुपए तक देंगे, अब तो 125। तब सरकार को कहीं कर सकता है अपन। अच्छा, तो अब यहाँ क्या भाव चला आज गेहूँ का? हमारा 2360 बिकिया। अच्छा, और अधिकतम कितना गया आज मंडी में? ये 2200-2300 आखिरी, 2360। अच्छा, अच्छा। तक बस बस। और भी किसान उनके पास चले, क्या नाम है आपका? इंदर से। क्या लेके आए? गेहूँ। कितने ट्राले लाए? एक ही लाए। एक ही लाए। क्या भाव गया आज गेहूँ का? 2300-2331। अधिकतम कितना रहा मंडी में? हमने कहीं मालूम कितना कहीं ट्रैक्टर में तो सारा बिकी गया। आज कितनी आवक हुई होगी मंडी में लगभग? कहीं अंदाज नहीं है। 400-450 कम थोड़ी होगा ऐसा? अब लगातार आवक बढ़ेगी मंडी में? बढ़नी चाहिए। बात ऐसा मौसम की मार पड़ी, बता रहे उत्पादन कम होगा? बहुत कम है, गए साल से बहुत फर्क पड़ी गया। अच्छा, पिछले साल से कम हुआ है? कम से कम 6 क्विंटल बिका फर्क है। अच्छा, पिछले साल से तो अब उत्पादन कम हुआ है, उसमें फिर अलग अलग देशों से मांग भी गेहूं की है, तो फिर भाव बढ़ेंगे? भाव बढ़े वो भगवान जाने पड़ेगा। चलिए, और भी किसान है उनके पास चलेंगे। क्या लेके आए? गेहूँ लेके आए ट्राली। अच्छा, कितने में बिका आज? 2331। अच्छा, और अब आवक जो है धीरे धीरे बढ़ेगी गेहूँ की? हाँ बढ़ेगी। उत्पादन तो कम हुआ आपकी बात? हाँ, पिछले साल से कम गया उत्पादन, तो उसका असर पड़ेगा? 10-12 का। अच्छा, तो उसका फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। चलिए, और अब किस सरकार ने जो है आदेशित भी किया है कि 125 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलेगा, सरकारी खरीद हो गई चालू? अभी नहीं हुई। अच्छा, तो अब 125 रुपए बोनस मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, मिलेगा। आप क्या लेके आए दादा? गेहूँ लाए थे। कितना लाए? 3 ट्रैक्टर ट्राली। क्या भाव गया आज गेहूँ का? आज गेहूँ के भाव ने अभी लगाया है, हमने अभी गए नहीं। अच्छा, कल कल बिका था 2770। अच्छा, लगभग। अब लगातार आवक बढ़ेगी? अरे बहुत मुश्किल है, भाव तो बढ़ना मुश्किल है, अब नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये तो गेहूं का अब समय है। नहीं नहीं नहीं, अब जो आने का मतलब बहुत उत्पादन बहुत कम हो रहा है। अच्छा, हाँ, मध्य प्रदेश में तो गेहूं अधिक होता है, लेकिन अब की बार उत्पादन आपको बहुत कम है। सब जो मतलब 100 में से 99% बोल रहे हैं कि कम हुआ है। अच्छा, हाँ, तो उत्पादन का असर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। क्या नाम है? कमल चौधरी। क्या लेके आए? गेहूँ। खातीपुरा से। क्या भाव चल रहा है गेहूँ का? चल रहा है 2300-2400 के बीच में। लगातार गेहूं के दाम जो है कम हो रहे हैं? हाँ, गेहूं के दाम तो स्थिर है, कम भी नहीं हो रहा, ज्यादा भी नहीं हो रहा, स्थिर है। खरीद अब शुरू होने वाली है? हाँ बिल्कुल होने वाली है। बोनस देगी सरकार 125 रुपए? हाँ बिल्कुल देगी। उससे फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना। बात हुई थी 425 रुपए की, दे रही है 125 रुपए। अच्छा, हाँ। और कौन कौन सी क्वालिटी का गेहूँ आता है मंडी में? मंडी में आता है लोकवन, तेजस, पोषण। आज कितने ट्राली आया माल? आज अंदाजन मैं तो अभी आया हूँ, अब होगा 300-100 ट्राली तो होगा। बढ़ेगी आवक? आवक तो क्या बढ़ेगी सर, अब आवक कोई बढ़ने का चांस नहीं, माल ही नहीं निकल रहा किसानों को। अच्छा, लेकिन अब गेहूँ तो आना शुरू हुआ है, फिर आवक नहीं बढ़ेगी? तो आना शुरू हुआ है तो माल नहीं निकल रहा ना सर, माल आधा हो गया ना। क्यों आधा हो गया? क्या मौसम की मार है? मौसम की मार है, फिर भाव बढ़ेंगे? बढ़ना तो चाहिए। आपका नाम? कमल चौधरी। एक मिनट, नाम क्या है? तेज करण चौहान। क्या लेके आए? गेहूं। क्या भाव बिक रहा है आज? 2300 से अंदर है आज। ऊपर में कितना गया है? बस 2300 से ऊपर गए नहीं, मेरे को लग रहा है नीचे में 2250। अच्छा, अभी कल क्या भाव गया था? कल 2406 भी का हमारा ही। अच्छा, तो फिर आज कम हो गया था? आज कम हो गया। रुपए का अंतर पड़ा? अब कल 150 रुपए का फर्क पड़ गया क्या? 150 रुपए का फर्क पड़ गया। लगातार दाम गिर रहे हैं? गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं दाम? क्या पता, क्या मानो समझ में नहीं आ रही, बानियावन कुछ कर रहे हैं क्या इनका? अच्छा,
उधर तो उत्पादन कम हुआ बता रहे हैं। उत्पादन तो कम ही हुआ, 9-10 क्विंटल भी ही निकल रहा है उत्पादन तो, कहाँ 18-19 का निकल रहा है, 9-10 पे आ गया। उत्पादन क्यों कम हो गया? क्या पता क्या मौसम से कुछ है, उससे परिवर्तन हो गया। अच्छा, और सरकार क्या बोल रही है, सरकार कितने में खरीद रही है? 2700 बोला सरकार ने। अब कितने में खरीद रही है? अब खरीद रही हुआ है कि 2400 रुपए में खरीदेगी और क्या। तो वो 2400 बोनस तो वो देगी जब, अब बोनस नहीं दिया तो वह अब वो बिल तो बना को दे ही नहीं रहा, बिल बना को दे दो फिर कांटे में तोलना, पूरा बिल बना को दो फिर 2400 का। आपका नाम? तेज करण चौहान। चलिए, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में हम थे और गेहूं के किसानों से हमने बातचीत की है। निश्चित तौर पर किसानों का कहना है कि अब की बार मौसम की मार जो है वो फसल पर पड़ी है और उत्पादन पर भी इसका सीधा असर जो है देखने मिलेगा। निश्चित तौर पर यदि उत्पादन कम होगा तो उसके दाम जो है वो लगातार बढ़ेंगे और इसका आमजन जीवन पर भी असर जो है निश्चित दिखाई देगा। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मंडी।